नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट कढ़ी। इसके लिए मैंने 500 ग्राम घर का फ्रेश दही लिया है, एक बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक बड़ा चम्मच ऑयल, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच सब्जी मसाला, एक चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच साबुत धनिया, लौंग और बड़ी इलायची। आइए अपनी इंस्टेंट कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। आइए हमने इंस्टेंट कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करते हैं। कढ़ाई में सारा ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें साबुत धनिया डाल देते हैं। धनिया को हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। हमारा धनिया गोल्डन फ्राई हो गया है, अब इसमें इलायची और लौंग ऐड कर देते हैं। लौंग और इलायची को भी हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। हमारे लौंग और इलायची भी गोल्डन फ्राई हो गए हैं, अब इसमें जीरा ऐड कर देते हैं। जीरे को भी गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। हमारा जीरा भी गोल्डन फ्राई हो गया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट भी हल्का सा गोल्डन फ्राई हो गया है। अब हम इसे बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देते हैं। प्याज को भी लाइट गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। हमारा प्याज भी लाइट गोल्डन फ्राई हो गया है। अब इसमें हरी मिर्च ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं और हरी मिर्च को भी 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। हरी मिर्च को फ्राई होते हुए भी 1-2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देते हैं। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम अपने मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। देखिए, हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें दही ऐड कर देते हैं। सारा दही डाल देते हैं इसमें। लगातार चलाते हुए मिक्स कर देते हैं, नहीं तो दही फट सकता है। 1 मिनट के लिए जस्ट इसको पकाएंगे। हमें इसे पकाते हुए 1 मिनट हो गया है और गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको देखिए, हमारी इंस्टेंट कढ़ी बनकर के तैयार है। अब इसमें धनिया ऐड कर देते हैं। हमने इसमें धनिया ऐड कर दिया है। अब हम अपनी कढ़ी को सर्व करते हैं। आइए अपनी कढ़ी को एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए, हमारी कढ़ी बन करके रेडी है। हम इसे सर्व करते हैं। देखिए, हमारी इंस्टेंट कढ़ी बन करके तैयार है। ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। आप इसे रोटी, नान, पराठा, राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।